हाय गुड आफ्टरनून नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1252nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। कोई अगर ये पूछे कि महिला क्या कर सकती है, तो हमेशा मैं जवाब देता हूं कि एक पुरुष के, एक आदमी के गिरे हुए आत्मसम्मान को उठाने से लेकर, या फिर एक शर्ट के बटन को जोड़ने से लेकर एक गिरे हुए आत्मसम्मान को जोड़ने का काम एक महिला कर सकती है। और इसीलिए मेन ऑफ द ईयर वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, लेकिन वुमेन ऑफ द ईयर रोज होता है। धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स का। पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स नागपुर बेस्ट ज्वेलरी स्टोर प्रेजेंट्स राज की बात वुमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बूटीक, वेयर यू गेट द बेस्ट ऑफ क्लोथिंग फॉर वुमेन ओनली। सो आई थिंक ऑल द गुड लुकिंग वुमेन आपको पहनावा में मिलेंगे शॉपिंग करते हुए। थैंक यू मनी एज फॉर मेकिंग मनी ग्रो वुमेन, जो डब्बे में छुपाकर पैसे रखती थी नोटबंदी के पहले, अब वो मनी एज में जाकर इन्वेस्ट कर रही हैं और वहां पे SIPs बना रही हैं और अपने पैसे को दो से आगे बढ़ा रही हैं। धन्यवाद करता हूं मैं अंतरा मल्टी सर्विसेज का, ऑल्सो हैम्पराइड मनी धीराठी, एंड अ बिग थैंक यू टू मैम्पी रियूजेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन एंड कट्स सोलन। हमारी आज की मेहमान बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। विवाह से पहले परिवार में एक डॉक्टर था, विवाह के बाद 17 डॉक्टर हो गए और खून से इनका एक बड़ा करीबी रिश्ता है। अब किस किस्म का पर्सपेक्टिव रखती हैं, किस किस्म की सोच रखती हैं, किस किस्म के अनुभवों से आगे बढ़ रही हैं हमारी आज की वुमेन ऑफ द ईयर, प्लीज वेलकम डॉक्टर आकांक्षा सालकर। मैम नमस्कार। नमस्ते, स्वागत आपका राज की बात। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड। ग्रेट। सबसे पहले तो ये कि हम सीधा बात करते हैं वो डॉक्टर वाली थेरेपी पे, है ना? कि आप एक ऐसे परिवार से हैं जहां पर जो मदर हैं वो डॉक्टर थी, आपकी फादर साहब इंजीनियर थे, और अब आपका विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पे 17 डॉक्टर। तो आकांक्षा जी का जो बचपन है, जो आकांक्षा बोथरे इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका शादी से पहले का नाम, उनका बचपन कैसा था? वेयर डिड यू गो, वेयर आर यू फ्रॉम? Just tell us. I'm from Nagpur, born and brought up in Nagpur, and I have done my schooling in Somalwa Nicholas. It was very nearby to my mom's place, and फिर मेरा 12th और ये सब शिवाजी साइंस में हुआ. उसके बाद I went to a government medical college for doing my MBBS, and then for PG I went to लता मंगेशकर NKB Salve Institute, and after that I did my training in clinical hematology. Which is like a specialized branch of medicine where we deal with only blood related disorders, benign as well as malignant. तो ये मेरा ट्रेनिंग हुआ है टोपीवाला नेशनल नायर हॉस्पिटल मुंबई में, एंड देन आई डिड अ फेलोशिप इन बीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई। आफ्टर दैट केम बैक टू नागपुर, बैक टू अवर रूट्स। You could have gone somewhere out. You could have stayed in Mumbai. You could have chosen actually, a different city. I was in Mumbai at that time. The COVID first wave came. So you know how Mumbai is. So it has been a difficult 2 years for us. Mumbai ke us atmosphere mein kaam karna aur COVID ka scare uske saath. And the biggest reason for me to coming back to Nagpur was that मेरी पूरी फैमिली नागपुर में थी, मेरे मेरा ससुराल एंड माई पेरेंट्स। तो सम डे और द अदर वी हैड प्लान दैट वी नीड दैट फैमिली सपोर्ट, दे नीड अस टू कम बैक, सो आई एम बैक। आर यू द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स? नो, आई हैव अ सिस्टर, यंगर सिस्टर, शी सेटल्ड इन USA। ओके, ओके, सो अब नागपुर में सिर्फ बड़ी बेटी है ध्यान रखने के लिए। अच्छा, जब छोटी थी आपने कहा कि आप सोमलवार निकालस में पढ़ती थी, तो सोमलवार निकालस की हमला वाला स्कूल? ओके, सो बिकॉज माय वाइफ आल्सो स्टडी इन द सेम स्कूल, सो आई एम वेरी कनेक्टेड टू द स्कूल। सो जब यू नो बचपन में सपने होते हैं, यू नो ये जो डॉक्टर वाली फीलिंग, बिकॉज यू हैड एन ऑप्शन ऑफ इंजीनियर एंड डॉक्टर बोथ। Yeah. Yeah. Why did you choose being a doctor? Actually, since whenever मतलब I got the understanding की career क्या होता है और मुझे बड़े होके क्या बनना है, we ask ना with our kids, we ask that आपको क्या बनना है बड़े होके। I never said engineer. I always said that I wanted to be a doctor. Maybe I have seen my mom, or maybe I liked the way we can serve our society.
also. True. So that's why, and I like being around patients, dealing mm-hmm. with their problems, solving their problems, mm-hmm. giving them the diagnosis, giving them the treatment. Mm-hmm. So it's a very exciting thing. So and it's like never ending process. हम कभी सीखना बंद नहीं कर सकते हैं हम अगर एक बार डॉक्टर बन जाए तो. Every day a new patient comes and a new discovery is done कि अच्छा ऐसा भी होता है. So it's very exciting. But then जो स्पेशलाइजेशन है उसमें व्हाई डिड यू चूज यू नो हेमेटोलॉजी. आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन हेमेटोलॉजी सिंस एमबीबीएस एंड द ब्लड सेल्स एंड द ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स दे हैव ऑलवेज एक्साइटेड मी. एंड मैं आपको ये बताती हूँ कि पिछले 10 सालों में हेमेटोलॉजी हैज बीन डेवलपिंग ट्रिमेंडसली. लाइक इसमें इतने सारे चेंजेस आए हैं जैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में, डायग्नोस्टिक्स में, मतलब जो हमारे टेस्ट होते हैं डायग्नोस करने के जी. और इवन ट्रीटमेंट, मतलब आजकल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब के बारे में इतना अवेयरनेस है लोगों में जी. और इतने सारे बढ़िया बढ़िया ड्रग्स अवेलेबल है हमारे पास कि हम एक पेशेंट को बहुत अच्छा लाइफ दे सकते हैं. नागपुर तो एक सेंटर ही है यू नो सिकल सेल. यस, नागपुर हैव बीन यू नो स्पेशली द नॉर्थ साइड ऑफ नागपुर, होल विदर्भ. या व्हाट डू थिंक अबाउट दैट? Yeah, it requires a lot of awareness. We have that problem in Maharashtra because बहुत सारे marriages relationships में होते हैं जी. तो because of that लोगों को अभी तक कुछ कुछ जो remote areas है हमारे जो गांव है उनमें लोगों को awareness नहीं है कि अगर हम relationship में शादी कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे एक मतलब फैमिली के एक बंदे को अगर सिकल सेल ट्रेट है जी. और जो लड़की से हम शादी कर रहे हैं अगर उसे भी सिकल सेल ट्रेट है तो हमारे बच्चे को डिजीज हो सकता है. तो दे डोंट हैव दैट अवेयरनेस. तो लेकिन सरकार ने भी तो बहुत कोशिश बहुत की कर है. रहे हैं, बहुत कोशिश की है, बहुत एडवांसमेंट्स भी हुए हैं. बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो. तो जब यू नो जब आपने ये सोचा कि आपको हेमेटोलॉजी में यू नो स्पेशलाइजेशन करना है, क्या इस ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को लेकर वैसे भी जब आई एम श्योर जब आप ये कहती होंगी कि आप डॉक्टर हैं तो सर्दी बुखार वाला डॉक्टर सबसे पहले जहन में आता है लोगों के, यानी एक एमबीबीएस या एक फिजिशियन. लेकिन जब आप किसी को ये कहती है कि आप एक हेमेटोलॉजिस्ट हैं, व्हाट्स द Whenever I tell anybody कि मैं hematologist हूँ, there is a question mark on their face. Because मैं आपको बताती हूँ लोगों को awareness नहीं है hematological disorders क्या होते हैं उस बारे में. और मेरा एक YouTube channel है, मैं informative videos भी बनाती हूँ. तो only intention is people should know where to go when we have this problem. Like हमने किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कौन से टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में, और बीमारी होती है जो एक हेमेटोलॉजिस्ट डील करता है. सो दैट इज द ओनली इंटेंशन ऑफ डूइंग ऑल द वीडियोस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस. बट जैसे आप वीडियोस बनाती हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जो यू नो लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को नहीं पहुंच पाती? एक तो हेमेटोलॉजी हैज बीन अ पार्ट ऑफ ऑन्कोलॉजी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. ऑन्कोलॉजी इज अ ब्रांच डीलिंग विद ऑल द कैंसर्स जी. एंड हेमेटोलॉजी इज अ ब्रांच विच डील्स ओनली विद ब्लड रिलेटेड कैंसर्स एज वेल एज ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो बहुत सारे लोग उसको मिक्सअप भी कर देते हैं. हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी लोगों को लगता है ये दोनों सेम है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. हेमेटोलॉजिस्ट डील्स मेनली विद ब्लड, मतलब लिक्विड कैंसर्स, एंड ऑन्कोलॉजिस्ट डील्स विद मोस्टली सॉलिड ट्यूमर्स. दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. और अनीमिया, सिकल सेल, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, ये सब चीजें एक्सक्लूसिवली हेमेटोलॉजी के अंडर आती हैं. जब आपने अपनी स्पेशलाइजेशन करी उसके बाद पर्सनल लाइफ में उस वक्त क्या चल रहा था? आई हैव टू किड्स, दोनों छोटे हैं. उसके पहले विवाह की थोड़ी स्टोरी बता दीजिए. हाउ डिड यू मीट डॉक्टर सालकर? ओके, या वी ही वॉज माई सीनियर एंड वी डिड आवर आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप एट लता मंगेशकर हॉस्पिटल एंड ही वॉज डूइंग हिज पीजी. सो हमारी मुलाकात वहां हुई एंड देन वी गॉट मैरिड एंड देन वी वेर आउट ऑफ नागपुर इन हैदराबाद. ही डिड हिज सुपर स्पेशलाइजेशन इन कार्डियोलॉजी, इज अ कार्डियोलॉजिस्ट. एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू मुंबई. इन द मीन टाइम वी हैड टू किड्स,
both are girls. So the elder would you name them? Yeah, the elder one is Alishka. She is 5 years old. The younger one is Navya. She is 3 and a half. So along with that, whenever means जब मैंने मेरा education super specialization किया, वो time पे बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के वजह से, मेरे फैमिली के सपोर्ट के वजह से इट वॉज पॉसिबल. अदरवाइज फॉर अ वुमेन टू लीव द किड्स एट होम एंड गो आउट इज वेरी डिफिकल्ट. यस, वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली व्हेन दे आर वेरी स्मॉल. या दे नीड दैट मच अटेंशन. यस, तो ये जब यू नो जब ये पूरी जर्नी चल रही थी जहां पर यू वर एट हैदराबाद एंड देयर वर किड्स एंड ऑल दिस थिंग वर हैपनिंग, हाउ वाज यू नो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू मैनेज एवरीथिंग? कैसे मैनेज कर रही थी? आई थिंक वुमेन आर गुड एट मल्टीटास्किंग. वुमेन कैन डू एनीथिंग. सो इट इज डिफिकल्ट व्हेन यू हैव टू डू योर ड्यूटीज, व्हेन यू हैव टू सी द पेशेंट्स एट नाइट, एंड देन आफ्टर कमिंग बैक from the hospital you have to look after your kids. But then you have like that excitement and that energy that mujhe dono cheeze manage karni hai. Sab ho jata hai. अब जब यू नो आप इतनी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, आपके हस्बैंड का इसमें कितना इनपुट होता है? हाउ मच? ऑफ कोर्स, माय गॉड, ही इज लाइक गाइडिंग लाइट. इज ही अ क्रिटिक? इज ही समवन हु? या, ही इज अ बिगेस्ट क्रिटिक. ही इज माय बिगेस्ट क्रिटिक एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज ओनली अगर कोई अच्छी ही बातें बोले तो इट साउंड्स लाइक वो झूठ बोल रहे. सो ही पॉइंट्स आउट द थिंग्स व्हिच आर नॉट गुड आल्सो एंड आई शुड इम्प्रोवाइज ऑन दैट. वक्त के साथ समाज में ना ही सिर्फ बीमारियां आई हैं, बट एक सोच की बीमारियां भी बहुत सारी आई हैं. मानसिकता जो है वो भी बहुत सारी बदली है. एक तरफ सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसी तकलीफें हैं, वहीं पर दूसरी तरफ डिवोर्सेज के रेट बहुत बढ़ गए हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड, है ना. मैं आपसे कोविड की बात करूंगा क्योंकि उस समय आप मुंबई में थे, तो वो मैं बात करूंगा आपसे. लेकिन ये जो चीजें हैं इसको लेकर क्या सोचती हैं? व्हाट डू थिंक अबाउट डिवोर्सेज, द इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ डिवोर्सेज हैपनिंग? आई हैव बीन मैरिड वेरी हैप्पीली सिंस लास्ट 11 इयर्स, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट डिवोर्सेज, बट या नाउडेज द बहुत ज्यादा. व्हाट कुड बी द रीजन? मे बी कंपैटिबिलिटी इश्यूज, कंपटीशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, एंड आल्सो द लाइक फैमिली एटमॉस्फेयर. नाउडेज आई ऑलवेज बिलीव दैट रादर देन स्टेइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, इफ यू आर स्टेइंग विद लाइक सम इन अ जॉइंट फैमिली, वर्क गेट्स डिवाइडेड, योर किड्स गेट द अटेंशन फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स दैट दे शुड गेट, एंड सो इट बिकम्स वेरी इजी. यू कैन मैनेज आउटसाइड का भी, आप हॉस्पिटल भी मैनेज कर सकते हो और घर पे भी मैनेज कर सकते हो जस्ट विद योर फैमिली सपोर्ट. What about single mothers? What do you think about them? Difficult. Yes, difficult to manage. But then, अगर आप single हो, then you have to manage your kids at the daycare और ये सब चीजें करनी पड़ती है. I don't have to go through that. I am very lucky. What do you think about child adoption? The number of population we're looking at is increasing. Yes. हम शायद ये साल में चाइना को भी पार करते हैं. Sure. What do you think about the population ratio and especially when it comes to child adoption? Child adoption is a good thing nowadays. If you think that if you have any problems like you're not conceiving, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है और अगर आप उसके लिए विलिंग है कि आप किसी और बच्चे को आप उतना ही प्यार दे सको जितना आप अपने बच्चे को दोगे, आई थिंक इट्स अ वेरी नॉवल कंसेप्ट. लाइक पीपल शुड अडॉप्ट, इफ दे कैन अफोर्ड दे शुड अडॉप्ट, एंड उस बच्चे का भी फ्यूचर बनता है. सो मेरा एक ऑब्जर्वेंस, आप बड़ा सीधा सीधा बोलती है, आप घुमाती नहीं है शब्दों को. जी, ये कहां से आता है ये सीधा सीधा बोलना? मम्मी शायद. So your mother was a doctor and she was specialized in? Yeah, she's a pathologist. She's working in Lata Mangeshkar Hospital as an associate professor. Okay. Yeah. जब हम you know marriages की बात करते हैं, तो marriage is an institution. Yeah. So the husband learns every day from the wife. Yeah. Yeah. Sometimes the wife also husband you know it's learns from the always, husband. It's always I think balanced. Okay. Both have to learn from not, each other. Not in every home, but still I just wanted to ask you, what did you learn from Dr. Salkar? Lot of things. Like he is a bit of a perfectionist. I am not. So I'm learning that from him. And बहुत सारी चीजें हैं. हमारा बहुत ही give and take वाला relationship है. So we learn from each other daily. Tit for tat वाला तो नहीं है. No. नहीं. अब
आप एक यू नो ये हम कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड की बात मिस हो गई बीच में. सो दिस टाइम ऑफ कोविड हाउ वाज इट व्हेन यू वर इन मुंबई? द फर्स्ट वेव वाज वेरी स्केरी. वी हैड नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड एंड आई वाज दैट टाइम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल व्हिच वाज कन्वर्टेड इनटू अ कंप्लीटली कोविड हॉस्पिटल. नायर हॉस्पिटल वाज अ कंप्लीट कोविड हॉस्पिटल, फर्स्ट वन टू टर्न इनटू कोविड हॉस्पिटल. सो एवरीवेयर व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल वो एक स्केयर था कि ये पेशेंट को कोविड है, वो पेशेंट को कोविड है. वी हैव वर्कड इन कोविड वार्ड्स आल्सो. सो द प्रॉब्लम वाज नॉट वर्किंग इन कोविड. The problem was when you come back home, you have that scare कि शायद मैं infection carry कर रही हूँ और मैं मेरे बच्चों को दे सकती हूँ या मैं मेरे parents को दे सकती हूँ. That was very scary. But luckily we were lucky enough to escape that. And फिर second third wave तक हम prepared थे, vaccinated थे. So it was hell of a scare at that time. But then we managed. Now we have to live with COVID. COVID कहीं नहीं जा रहा है, COVID यहीं रहने वाला है. लोग इतना बेबाक होकर अब घर से निकलते हैं. बहुत सारी चीजें हम भूल गए हैं. हम दो गज की दूरी भूल गए हैं, हम हल्दी वाला दूध भूल गए हैं, हम मास्क पहनना भूल गए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भूल गए हैं. आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हैंड हाइजीन है या फिर जो मास्किंग है वो बहुत अच्छे से फॉलो करना ही चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू क्राउडेड प्लेसेस. जैसे अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो, आप एयर ट्रेवल कर रहे हो, प्लीज यूज अ मास्क. क्योंकि कोविड इज नॉट गोइंग एनीवेयर और मास्क से हम बाकी भी वायरसेस से प्रोटेक्ट होते हैं. कोविड इज नॉट द ओनली वायरस वी हैव. यू हैव अ बैटरी ऑफ वायरसेस. तो स्वाइन फ्लू है, एवरी लाइक प्लेस कैन बी इन्फेक्टेड विद दैट. सो बेटर आप अपना प्रिकॉशन लीजिए. कोविड को जब वेव आएगी तो आएगी, हम प्रिकॉशन तो पहले से ले सकते हैं. बिल्कुल सही. अब मुझे बताइए कि टेकिंग यू बैक टू टाइम व्हेन यू बिकेम अ सालकर फ्रॉम अ बोथले, व्हाट वाज दैट वन थिंग व्हिच यू कैन ऑलवेज चेरिश व्हेन यू आर विद द बोथलेज एंड व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू कैन नेवर फॉरगेट व्हेन यू आर विद द सालकर्स? नाउ राइट नाउ एक्चुअली इट्स लाइक everything we remember, no? Matlab, we cannot forget from where we come. So, but I miss my sister being here. We have a very like a cordial relationship and we share everything. So, I miss that maybe. Maybe I hope she comes back. What's her name? It's Sanjana. She's watching you. I know. Okay. Yeah. And when it comes to the Salkar family, what was the difference? I mean, yeah, parivar mein bhi ek mahol badalta hai na. Difference was there. I was born and brought up in a nuclear family, and I came into a suddenly huge family where we all used to stay together. Matlab, we were staying with cousins and mummy, papa, dada, dadi, everybody. So there was a difference, lekin it was good. Everybody was very welcoming. So they gave me a very homely and a very happy atmosphere. Very happy for that. Okay. अब चूंकि एक अच्छा वक्त गुजरा है जहाँ पर यू नो फैमिली कहीं ना कहीं सेटल हो गई है, योर किड्स हैव ग्रोन अप, नाउ यू कैन टेक द चार्ज ऑफ द क्लिनिक विच यू हैव ऑलरेडी डन. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस थिंग. कहीं ना कहीं सेटल्ड है अब नागपुर में ये नागलो क्लिनिक एंड हॉस्पिटल. क्या करना है आगे, क्या करना है, व्हाट्स द बिग ड्रीम? द थिंग इज जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना है लोगों में. एंड आई वांट टू सी ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट्स कमिंग डाउन फ्रॉम द रिमोट प्लेसेस ऑल्सो एंड दे शुड हैव दैट अवेयरनेस कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल. सो जब तक ये लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मुझे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे एक हिमाटोलॉजिस्ट के पास जाना है या फिर मुझे डॉक्टर आकांक्षा सालकर के पास क्यों जाना है, दैट इज द विजन. एंड आई वॉन्ट अनीमिया मुक्त भारत. आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम माई साइड टूवर्ड्स दैट टूवर्ड्स दैट मिशन. सो इफ आई एम एबल टू डू इवन 1% ऑफ दैट देन आई विल बी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड. पर ये कंफ्यूजन जो है ये क्यों होता है आपको कैसे? क्योंकि लोग फिजिशियन के पास जाते हैं, लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो एक पैथोलॉजी लैब रेकमेंड करते हैं और एक स्पेसिफिक एक उनको एक रिपोर्ट लेने के लिए कहते हैं. उसके क्यों एक हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट या हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाने को लेकर इतना कम लोगों को पता है? खून रिलेटेड प्रॉब्लम की बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या फिर
they think that an oncologist handles everything, okay. but it's not like that. Mm-hmm. And hematology is a part of oncology which has developed in the last 20-25 years. Mm-hmm. So it's an upcoming and a developing branch. Mm-hmm. That's why maybe logo ko itni information nahi hai. Mm-hmm. But if we try to create awareness, definitely down the down few years, mm-hmm. I think people will understand the importance. Mm-hmm. Agar ye mera aakhri sawal hoga, agar एक जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, आकांक्षा बोथले सालकर, ये नाम लिखा गया, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा सा पर्सपेक्टिव, कौन सा सा थॉट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? वेरी डिफिकल्ट. ये थोड़ा आउट ऑफ कोर्स आ गया. नो, कभी मैंने सोचा नहीं है. बट आई थिंक व्हाट्स द गोल ऑफ योर लाइफ? I think live and let live. Mm-hmm. I am very I'm very happy in my own circle. Mm-hmm. And I have a very good family and I have very good friend circle. Mm-hmm. I'm very happy with that and I'm a content person. Mm-hmm. So, but I'll be more happy when I am able to reach to the patients and I am able to give my services to the patients who really require it. Mm-hmm. And main jitna zyada hematology mein khud ko establish kar saku, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकूं, ट्रीटमेंट रिलेटेड चीजें कर सकूं, आई विल बी मोस्ट हैप्पी. आई थिंक दिस कंप्लीट एपिसोड वाज, आई थिंक आपकी जिंदगी की जो जर्नी रही है उसको अगर देखा जाए तो उसमें जो आपका समाज के प्रति जो समर्पण है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, दिखता है कि आप चाहती हैं कि समाज के लिए आप बहुत कुछ ऐसा करें. और उम्मीद है कि आपकी ये जो पूरी की पूरी सोच है उसमें आप बहुत आगे बढ़े, आप जो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हैं वो ना ही सिर्फ लाखों लोगों तक बट करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचे, आप उसमें सफल हो. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपकी जैसी महिलाएं जब दुनिया में आती हैं तो हमें भी उम्मीद की किरण दिखती है कि वाकई में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के बारे में इतना सोचते हैं. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइन है, नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर हैं लेकिन वो कभी कभी शायरी भी कर देते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानी को गुलिस्तान बना देता है. मैं अपनी नहीं डॉक्टर आकांक्षा सालकर की कहता हूँ, अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति प्रेम मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है. अच्छा काम बहुत कम लोग करने की कोशिश करते हैं, पैसे तो सबको कमाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको मौका मिलता है ना तो आपको वो मौका गंवाना नहीं चाहिए. हाँ, ये बात अलग है कि लोग अक्सर कहते हैं कि कभी कभार गलती करना जरूरी है, इंसान को इंसान लगना जरूरी है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको जीवन एक बार मिला है तो आपको तो अपना 100% देकर उस वो लोगों को एहसास कराना होगा कि आप कुछ करने के लिए आए. डॉक्टर आकांक्षा सालकर शायद वही कोशिश में है कि अपनी जिंदगी को वो कैसे वैल्यूएबल बनाए कम से कम अपनों की नजरों में, और यही कोशिश तो सबने करनी चाहिए. कभी भी आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो तो कृपया किसी भी डॉक्टर के पास मिल जाए, एक एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आए जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करता है. आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जो मम्मी और पापा दोनों की तरफ देखती है लेकिन पता है कि क्या बनना है और बहुत समय तक छुपाती है और उसके बाद जब बताती है तो परिवार को भी गर्व होता है, और उस राह पर जब चलती है तो बड़ी तेजी से चलती है और बहुत सारे संघर्षों के बाद अपनी पर्सनल लाइफ के भी संघर्षों को पार करके जब उस मुकाम पर पहुंचती है तो वो आकांक्षा सालकर बनती है. आप जिंदा रहें. जय हिंद.